सरकारी ऑफिस रे चाकरी कराई देबा नारे बड़ा धरणर ठकेई कोरापुट स्थित शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज ठारु आरंभ करी डीपीसी आईटीडीए परकि पुलिस विभाग रे चाकरी कराई देबे नारे मध्य सह सह शिक्षित बेकार युवक युवती ए ठक गैंग रे शिकार होईछंती। कोरोना जोगु राज्य सरकार आर्थिक स्थिति भलो नथिबारु आसंता 2 वर्ष जाय आउ सरकारी चाकरी बाहरिबो नाही बोली घोषणा करि सारिछंती आउ एहारो फायदा नै ए लुटेरा गैंग एबे सक्रिय होईछंती। शिक्षित बेकार युवक युवती को टार्गेट करबा को एमाने बिछाईछंती हाईटेक जाल सब एसबु सरकारी संस्था नारे एमाने फेक मेल आईडी और लेटर हेड तैयारी करछंती आउ एसबु माध्यम रे नकली नियुक्ति पत्र बांटी चाकरी देवा नारे युवक युवती को ठारु मोटा अंकर टंका लूट करछंती। तबे संपृक्त युवक युवती नियुक्ति पत्र धरी एसबु सरकारी संस्था को जिबा परे एसबु नकली बोली जणा पड़ैछि। न्यूज 7 हाथ रे लागैछि एसबु नकली नियुक्ति पत्र रो एक्सक्लूसिव फुटेज आपण ए दृश्य देखुछंती टीवी स्क्रीन रे एसबु हेउछि सेही फुटेज जो थिरे नकली नियुक्ति पत्र रहिछि एवं टंका मध्ये एमाने जमा करछंती लख लख टंका ए ठक लुटी नैछंती ए शिक्षित बेकार युवक युवती ठारू एम को टार्गेट करछंती एमाने एवं विभिन्न सरकारी संस्था रे चाकरी कराई देबाकु कही एभली भावे सेमानक ठारू टंका ठकिछंती। कोरापुट स्थित शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज हो किंबा डीपीसीओ आईटीडीए हो एवं एमिति पुलिस विभाग रे चाकरी कराई देबाकु कही मध्ये एमाने ठकिछंती। पद्मनाभ होता प्रतिनिधि रही संपर्क में अधिक सूचना पे पद्मनाभ ए संपर्क में अभियोग किसी कार्यानुष्ठान मनोज प्रथम तो अपडेट दे देवा पई चाहि निर्दिष्ट भाव रे सेमाने जाईथिले जे पुलिस पकरे अभियोग करथिले किंतु जे सेमाने मौखिक अभियोग करथिले आ जयपुर टाउन थाना रे तनो जयपुर टाउन थाना तरफरु सेमाने को कह जायथिला जे आपण लिखित अभियोग करंतु लिखित अभियोग परे कार्यानुष्ठान हबो आ जहां आम पाखे सूचना रही जो मैंने ठकामी शिकार होते जन मध्यस्थ को सेमाने काबू करिसेंते किंतु सेमाने विधिवत भाव में एने की लिखित भाव पुलिस को अभियोग करना कहीं मध्यस्थ जन कड़े से प्रतिश्रुति देखिए किसी समय बा किसी दिन मध्य से जहां टंका नहीं फेरे दब और गोटे मास्टर माइंड जन अच्छे से मास्टर माइंड विरुद्ध में कार्यानुषान ग्रहण करने मध्यस्थ दाबी कर सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जपरी भाव में कोरापुट स्थित शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज आरंभ कर आईटीडीए डीपीसी एपरिक पुलिस विभाग चाकरी करदेव बोल से प्रतिश्रुति देता एपरिक मिछ विज्ञापन स्थानीय किसी खबर कागज प्रकाशित होता एतल गोटे खबर कागज गोटे विज्ञापन प्रकाशित होती से जिनस चकमा खाई जाते लोक विश्वास कर लोक को टंका देते आई तथ्य आम पाखे रही 60 रु अधिक लोक एपरे ठकामी शिकार किंतु पुलिस पाखे एतला दवा परवर्त समय पुलिस पाखे जब एतला दौरान जो तदंत हम तेणु से तदंत जदि शिक्षित युवक युवती मैंने आग को अड़ुआ पड़ पारती पुलिस को भय करके अधिकांश जो मैंने ठकामी शिकार होती सामना को आसुना कितु न्यूज सेवन पाखे एक्सक्लूसिव दस्तावेज और तथ्य रही प्रतिक्रिया आम पाखे रही जो मैंने ठकामी शिकार होती किपर भाव में गोटे हाईटेक जाल नेटवर्क गोटे से फसे दि जा कथा से कहते प्रथम खबर कागज विज्ञापन दिगला द्वितीय विश्वास विश्वास जितना जो मेडिकल कॉलेज पुलिस डिपार्टमेंट आईटीटीए डीपीसी कार्यालय रोटे नकली मेल आईडी कर नकली मेल आईडी कर संपर्क जो मैंने रही जो मैंने आशाई चाकरी करने जो मैंने टंका देते नकली मेल आईडी रू से जॉइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर दि जाइए निजुक्ति पत्र दि जाइए परवर्त समय जो विश्वास कर प्रकृत से मेडिकल कॉलेज आईटीटीए डीपीसी ऑफिसर से निजुक्ति मिली विश्वास परवर्त समय मेडिकल कॉलेज को जाते नकली निजुक्ति पत्र से जापरि जो मेडिकल कॉलेज करतृपक्ष कहले जो सब नकली और फर्जी बोलिक कहगला से जाने से ठकामी शिकार होती ये जो नेटवर्क बहुत बड़ धरण चली कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में चली आम पाखे जहां बर्तमान सूचना रही 4 जन जो मैंने किपर ठकामी शिकार जयपुर सहर से सेने आम पाक आसते न्यूज 7 पाक आसते से लोड़ते आम इनकी संपृक्त जी रही जयपुर जी रही एसडीपीओ सहित आईएसी सहित मत कथबार्ता करूँ लिखित अभियोग मिलवा पर कार्यानुषान ग्रहण करूज 7 गोटे सचेतन गणमाम हिसाब से दायित्वान गणमाम हिसाब से आम लोक पुणी थे सचेतन करदेवा मनोज से कौन से सरकारी चाकरी एपरी टंका देने मिले ना ये रिटर्न परीक्षा देवा पड़े इंटरव्यू देने मिले तेनाली जो ठक मैंने प्रलोभन करुच्च
ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସରକାର ସେ ଚାକିରି ଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିକି ଅଯଥାରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏପରି ହିଁ ଠକାମିର ସେମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ଯାହାକି ଜୟପୁରର ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦସ୍ତାବେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦସ୍ତାବେଜର ନକଲ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛି ପାଖରେ ରହିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ଯିଏ ମିଡିଲମ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକ ସେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛି ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଜୟପୁରର ଚାରି ଜଣ ଏପରି ଭାବରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ କାଳେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଚାରି ଜଣ ହୁଏ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବା ଷାଠିଏ ଲୋକ ବି ଯଦି ଠକାମିରେ ଯଦି ପଡୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରିବା ନାଁରେ ତାହେଲେ କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱମତ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଲକୁଲ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଏଭଳି ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ କୁ ଶୁଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ନିହାତି ରୂପେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନକଲି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ନକଲି ଲେଟର ହେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି ଜୟପୁରରୁ ଏ ଖବର ଆସିଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନା ଭୋତା ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।